दिस इज़ विद प्रकाश आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश आई हैव कम्प्लीटेड माई बी टेक इन एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्राम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना दिस ईयर एंड आई एम रिसेंटली प्रिपेरिंग फॉर गेट फ्राम ओम इंस्टीट्यूट सो कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ तो ये है कि हर सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है और सबसे पहला मॉड्यूल होता है बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ दैट सब्जेक्ट तो एक्चुअली होता क्या है कि कॉलेज में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करते नहीं हैं तो हमारा फंडामेंटल थोड़ा वीक हो जाता है लेकिन यहाँ क्या है कि पहला जो मॉड्यूल है वो फंडाम फंडामेंटल एंड बेसिक्स क्लियर किया जाता है तो अगर हमारा बेसिक जीरो है अगर हम ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे भी हैं तब भी बड़े आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और थोड़ी भी डिफिकल्टीज नहीं होती है और हर एक टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला पार्ट इन डिटेल इन डेप्थ थ्योरी और सेकेंड पार्ट क्या है कि उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं तो ओवरऑल उस सब्जेक्ट पे हमारा ग्रास बन जाता है और उसके साथ साथ लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फैकल्टीज़ के द्वारा वो लेक्चर नोट्स जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम लेक्चर नोट्स में सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है और आफ्टर दैट कंक्लूजन एंड नोट पॉइंट दिया जाता है जो कि जिससे शॉर्ट नोट्स बड़े ईजिली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर दैट क्लासरूम में काफ़ी अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व करा दिए जाते हैं उसके बाद हमें हैंड आउट दिया जाता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके बाद डेली क्विजेस होते हैं टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद वो क्विज हम लोग अटैम्प्ट करते हैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं तो ओवरऑल होता क्या है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाता है और गेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हमारे आ, हमारे लिए कि आ, कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे ये होता है कि इन डेप्थ थ्योरी से जो जेनको ट्रांसको ई एस सी इन सब की प्रिपेशन हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग से हमारा गेट का प्रिपेशन हो जाता है अलॉन्ग विथ दैट ये होता है कि आ, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है क्लासरूम में वाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो पूरा फील आता है कि जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में क्या किया जाता है कि डिजिटल uh, बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो डिजिटल बोर्ड पे कभी फील नहीं आता कि हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ क्या है कि वाइट बोर्ड पे क्लासेस चलती हैं तो पूरा फील uh, आता है और जो प्रॉब्लम्स uh, होते हैं वो डिजिटल बोर्ड पर कराए जाते हैं सो ओवरऑल ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब क्लासरूम में नहीं है हम लोग पूरा ऐसा ही होता है कि जैसे क्लासरूम में स्टडीज़ होती थी वैसे ही घर पे हो रही हैं अभी और उसके साथ साथ ये है कि वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है मतलब आ, 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 वीडियो क्वालिटीज़ में यह है कि वन जीरो एट भी हम लोग वीडियोस को देख सकते हैं तो और मिनिमम वन फोटी फोर पे उसको देख सकते हैं तो जैसा इंटरनेट कनेक्शन है जो लोग विलेज में हैं वो भी इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं और जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं उसके बाद आ, हमारे पास जितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर उसमें हमको कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स दिया गया है जिससे हम लोग डायरेक्टली जो है वो टीचर्स से फैकल्टी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो आ, उनका नंबर होता है डायरेक्टली उनसे वो हम लोग डाउट डारेक्ट सॉल्विंग डायरेक्टली कर सकते हैं उसके बाद क्या होता है कि टेलीग्राम ग्रुप बना है तो जो हमें डाउट्स आता है वो तुरंत हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं और बहुत ही कम टाइम में और जैसे ही फैकल्टीज़ फ्री होते हैं उसका रिप्लाई आ जाता है तो डाउट सॉल्विंग बहुत ईजी इतना तो हमें ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलेगा क्योंकि फैकल्टीज़ पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर हर हर समय जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ अवेलेबल हैं तो ओवरऑल अगर आपको एक अच्छा ग्रास्प चाहिए सब्जेक्ट पे अगर आपको सच में एक सब्जेक्ट सीखना है और सच में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो दैन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ओवरऑल मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अपने तरफ से वो अपना बेस्ट कर रहे हैं और अगर कुछ अच्छा करना है तो ये तो है कि हमें अपना बेस्ट करना होगा कुछ अच्छा देने के लिए उनके तरफ से वो अपना बहुत अच्छा बेस्ट दे रहे हैं मैं अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट एक अच्छे मैनर में सीखना चाहते हैं अगर आप रियली में गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता बिकॉज़ कुछ भी वो अपने तरफ से किसी भी चीज़ की कमी नहीं कर रहे आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना फार्मूलाट के क्वेश्चन करने से प्रिपरेशन नहीं होती तो पहले आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ होते हैं तो फिर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी फिर सीखते जाते हैं तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर सच में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए ई के लिए गेट के लिए जेनको ट्रांसको किसी के लिए भी करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन ओम इंस्टीट्यूट थैंक यू